Yes, we are going to do 24 hours eating only street food. Welcome back to the channel. My name is Himani and welcome to the all new video. And we are starting the challenge videos again. पहला वीडियो जो कि हम शुरू करने वाले हैं, और क्योंकि अहमदाबाद रिसेंटली दो ढाई महीने हो गए शिफ्ट हुए, पर यहाँ पर हम आज करने वाले हैं 24 आवर्स ओनली ईटिंग स्ट्रीट फूड. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है. और अब हर चैलेंज वीडियो में मिस्टर हस्बैंड होंगे साथ में, तो वो हो रहे रेडी. हम निकलने वाले हैं आज. अभी सुबह के 9:30 बज रहे, ब्रेकफास्ट का टाइम है, कुछ भी नहीं खाया है मैंने, तो कॉफ़ी भी नहीं पी है. और बस हम जाने वाले बाहर, और देखते हैं बाहर स्ट्रीट में ढंग की कॉफ़ी मिलेगी कि नहीं, वो बड़ा चैलेंज है. बाकी खाना वाना तो अच्छा मिल जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, बट आज का दिन पूरा का पूरा स्ट्रीट फूड होने वाला है. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. लेट्स बिगिन द डे. अ फ्यू इंचेस लेटर, फाइनली सवारी निकल गई है अपने ब्रेकफास्ट हंट के लिए. और हंट नहीं, एक्चुअली इसको पता है कुछ जगह है अहमदाबाद में. तो कहाँ जा रहे हैं? जा रहे वस्त्रापुर लेक. तो मे बी ढोकला मिलता तो ढोकला भी हम खा सकते थे वैसे, बट मेरा डोसा खाने का मन हो रहा है तो हम डोसा खाने जा रहे हैं. अगर मैं वही दिल्ली में होती तो मेरा छोले भटूरे खाने का मन होता सुबह. अच्छा, आप शहर के हिसाब से आपका खाने का मन होता है. आप चाइना में होते तो इस समय आपका कौन सा जानवर खाने का मन होता है? जानवर नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ. तो मेरा मन होता वहाँ पे, चाइना में तो यार क्या ही मन होता. चाइना में वेजिटेरियन मिलता कहाँ है ऑप्शन? फ्राइड राइस भी ऐसा मिलता है कि तू रहा है ना, देखो चाइना में वेजिटेरियन के ऑप्शन आप वैसे तो आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे. चाइना में आपको भगवान पहले मिलेंगे, वेजिटेरियन फूड बाद में मिलता है. यस, हाउ एक्साइटेड आर यू बब्स? आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरे को पसंद है स्ट्रीट फूड, मजा आता है. मेरे बहुत भूख लगी, अब जल्दी ले चलो बस. तो जी ये है, क्या खाएंगे? वड़ा. एक वड़ा. हाँ, इडली है क्या? इडली वड़ा है ना, तो इडली वड़ा मिक्स लेना. हाँ, इडली वड़ा मिक्स. एक प्लेट इडली वड़ा दे दो ना पहले, फिर डोसा बोलते हैं. है यहाँ पर, पहले सागर ये वाले यहाँ रहा करता था, ये वाले फ्लैट से. और ये वस्त्रापुर लेके दिखा दो इधर अंदर. वस्त्रापुर आइटम इडली वड़ा. जल्दी खा लो यार, भूख लग रही है मेरे को तो बहुत ज़्यादा लग रही है. ओ अच्छी है, ऐसे वो करके ही पता चल जाता है. दिस इज मैसूर मसाला डोसा. स्ट्रीट फूड के हिसाब से हाइजीन 10/10. टेस्ट सांभर इज लिटिल ऑफ, अदरवाइज चटनी इज गुड. सो 8/10 एंड डोसा इज गुड. मैसूर मसाला डोसा हम खा रहे हैं, अच्छा है. नाउ लास्ट वी ऑर्डर्ड पेपर डोसा. कितना खाएंगे हम पेपर डोसा? स्ट्रीट फूड है तो यार ऐसे ही होगा वो तो. हाँ, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना जाता है. आपको कॉस्ट बताते हैं हम इन सब की कितना हुआ. वाह जी, तो हमारा नाश्ता हो गया मस्त, एकदम तृप्ति हो गई मुझे. बस अब कॉफ़ी पिला दे. कॉफ़ी तो कॉफ़ी पी लेते हैं तो फिर एकदम ऐसे कम्प्लीट हो जाएगा. और हमारा जो टोटल बिल हुआ है वो हुआ 180 रुपए मात्र. आई मीन ये है फायदा स्ट्रीट फूड खा. कॉफी हट, कॉफी पियेंगे देन हमारा ब्रेकफास्ट होगा कंप्लीट. जब हम आए हैं कॉफी पीने के लिए और पति लेकर आए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के सामने एक कॉफी वाला खड़ा होता है, विच इज दिस. ये आपने देसी मिक्सर देखा है? नहीं. देखो इधर देसी मिक्सर. और यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको. ये देखो, ये दिखा दो भैया. जब कैफे सीसीडी जाते हो तो आप नॉर्मल जो कोल्ड कॉफी ऑर्डर करते हो एग्जैक्टली लाइक दैट. थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉन्ग बोली थी तो अच्छी है. और वो चार्ज करते हैं जो 230 रुपीज़ 80 रुपीज़.
तो अब हुआ है हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट विद अ कॉफी. Later. घर आ गए हैं और फुल पेट नाश्ता करने के बाद ऐसा नींद नींद से आ रही है. और वीकेंड में ऐसे ही होता है कि मन करता है नाश्ता करो, खाओ पियो, फिर से सो जाओ, चिल मारो. पर मेरे लिए वीकेंड नहीं होता है क्योंकि मेरा काम जो है वो 24/7 वाला है, चलते रहता है. जब भी कुछ आइडिया आता है मैं तुरंत वो शूट करने लग जाती हूँ या एडिट करने लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहता है. तो अभी मुझे YouTube के लिए वीडियो एडिट करना है जो कि आज रात को जाने वाला है. उसका फाइनल थोड़ा बहुत एडिट बाकी जिसमें मुझे एक घंटा लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं वो करूँगी. उसके बाद हम लंच के लिए कहीं बाहर जाएंगे और लंच के लिए हम कहाँ जाएंगे देखते हैं. अभी हम सोच रहे थे वैसे कि हम घूमते रहेंगे, पर घूमते घूमते ना फिर हम ओवर ईट कर लेते हैं, तो वो हम करना नहीं चाह रहे थे. इसलिए घर वापस आ गए, मेरा काम भी खत्म करना है, वो करते हैं, उसके बाद फिर लंच के टाइम आपसे मिलेंगे. 3 hours later. 1:30 बज रहे हैं भाई, इस आदमी को भूख लग गई है. तो क्या इसमें कोई नया है कि नई बात क्या है? कहाँ जा रहे हैं हम बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी. 1, 2, 3. कॉमर्स 6 रास्ता के आगे थोड़ा सा एक पराठा वाला है, बढ़िया मस्त रोड साइड. ओके, बहुत अच्छा. चलो चलिए जी, लेट्स गो. हाँ जी, तो अब हम लंच के लिए आ गए हैं एट रॉयल पंजाब पराठा. यहाँ पे रॉयल पंजाब पराठा, रॉयल पंजाब पराठा क्या खाएंगे हम? हमने ऑर्डर किया आलू मटर. रॉयल पंजाब पराठा पे आए हैं और हम खाएंगे रॉयल पंजाब पराठा. समझ रहे हो आप लोग? हम खाएंगे, हमने ऑर्डर किया है आलू गोभी, आलू मटर अनियन, आलू मटर अनियन पराठा. उसके साथ बोल रहा था लस्सी बहुत अच्छी होती है. उसके साथ में लस्सी, हाँ 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 हाँ, लस्सी बहुत बहुत देखते हैं दिल्ली के कंपैरिजन में पराठा यहाँ पे कैसे. मटर तो ऐसे पूरे पूरे डाल दिए हैं. कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, ओके. मैंने छाछ बटर मिल्क ऑर्डर करी है, इसकी लस्सी ऑर्डर की है. ओके है, ठीक है, अच्छा है. तो गाइस हमने दूसरा पराठा ऑर्डर किया है विच इज़ आलू गार्लिक अनियन. खाने के बाद और ये मत सोचो कि हम दोनों ही खा रहे हैं, इसमें हमारे साथ जया भी है. सो हम तीन लोग मिलके दो पराठे फिनिश इससे ऑलमोस्ट, ये वाला तो फिनिश हो गया. तीन लोग मिलके नहीं है कि मैं अकेला बेचारा खा रहा हूँ, इन लोग देख रहे हैं. नहीं नहीं, हमने भी बहुत इक्वली खाया है. ठीक है, हाँ. अच्छा, ओके. सो चलो अब ये खत्म करो, आप ही खत्म कर रहे हो तो आप ही खाओ. बाप रे, पराठे और लस्सी खाने के बाद एकदम ऐसे नींद सी आ रही है. लेकिन हो नहीं पाएगी. लेकिन हो नहीं पाएगी क्योंकि हम दोनों को अलग अलग काम है. बाय द वे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा जो टोटल बिल था वो 320 रुपीज, एक लस्सी, एक छाछ, दो पराठे, हम तीन लोगों ने खाए. गुड, अच्छा था, अफोर्डेबल. और जैसा मैंने बताया तो आटे वाला प्योर गेहूं के आटे वाला पराठा था, ऐसे मैदा मिक्स वाला पराठा नहीं था, जो मुझे पसंद है तो इसलिए मुझे अच्छा लगा. अगर मैदे वाला थोड़ा मैदा मिक्स होता वो पराठा मुझे नहीं अच्छा लगता है. वैसी जगह मैं ले क्यों जाता आप? तो अभी हम घर जा रहे हैं, इसको जाना है अपना बैंड का प्रैक्टिस के लिए क्योंकि कल इसका शो है एंड मेरा वर्कशॉप है जो कि मैं मतलब विच आई ऑर्गेनाइज, और वो वर्कशॉप मुझे लेना है. तो वो 5 बजे, अभी 3:30 बजने वाले हैं, 3:30 बज गए एक्चुअली. हाँ, तो बस 1 घंटे का टाइम है, हम दोनों को अपने अपने काम में लगना है. फिर हम सीधा आपको शाम को मिलेंगे जब हम डिनर के लिए बाहर निकलेंगे. ओके, क्योंकि बाहर ही करना है, चैलेंज है तो है भाई, है तो है. उसके बीच इन बिटवीन अपना काम दोनों निपटाते हैं एंड सी यू इन द इवनिंग. तो मेरी वर्कशॉप हो गई है, सागर का प्रैक्टिस सेशन हो गया और शाम के 7:30 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं फॉर डिनर क्योंकि हम थोड़ा सा अर्ली डिनर करते हैं घर पे, मतलब 8 बजे तक हम खा ही लेते हैं क्योंकि उसका भी वर्क फ्रॉम होम है और मैं भी घर से काम करती हूँ, तो हम लोग जल्दी डिनर करके जल्दी सोने वाले लोगों में से हैं. तो हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से, अहमदाबाद में एक हैप्पी स्ट्रीट करके है, तो हम वहाँ गए नहीं है कभी, मतलब सागर तो गया होगा, मैं नहीं गई हूँ. तो ही सेइंग कि स्ट्रीट फूड के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो चलते हैं वहाँ पे, तो आपको भी लेकर चल रहे हैं. और डिनर में क्या खाएंगे, वैसे मुझे क्रेविंग थोड़ी पाव भाजी की हो रही है और स्ट्रीट वाली पाव भाजी खाए हुए काफ़ी वक्त भी हो गया है, तो चलो देखते हैं.
था उसके सामने। क्या ऑर्डर किया तूने? पोटैटो ट्विस्टर। मुझे इतना नहीं पसंद है क्योंकि उसमें बहुत ऑयली सा होता है, पर इसने ऑर्डर किया था। टेस्ट लिटिल बिट, देखो आप लिटिल बिट स्ट्रीट फूड में आप मतलब कैसे बोल सकते हो, ये तो आपने पाप कर दिया है। सब बोल के आप स्ट्रीट फूड का आप चैलेंज कर रहे हो और आपको ऑयली लग रहा है। ओके, दिस इज पोटैटो ट्विस्टर। अच्छा प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 130 रुपये का। वाह, वो हैप्पी स्ट्रीट में तो हैप्पी स्ट्रीट में महंगा मिलेगा, इसीलिए तो बनाया है। I like piri piri fries, MACD का। Exactly like that. तो बहुत तीखा हो जाएगा। नबला पानी। It's good. आ गई मेरी पाव भाजी, जिसकी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। Let's see कैसी है। नहीं मिला। बहुत गर्म है। अच्छी है, नॉट बैड। तो हमारी पाव भाजी का बिल 220 रुपए। ये है स्ट्रीट फूड गाइस, बट प्रॉपर पूरा, लेकिन हैप्पी स्ट्रीट है ना जी। तो अब हम हैप्पी स्ट्रीट से जा रहे हैं। हमने पाव भाजी और पोटैटो ट्विस्टर ही खाया सर। अच्छा है, मतलब ठीक है, ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आओ तो सही है, फन है थोड़ा। हाँ है ना, क्यों ऐसे आउटिंग रात को लेट टाइम अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है तो ठीक है मतलब टेस्ट वेस्ट ओके रेट थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। यस एग्जैक्टली, एज कम्पेयर टू दूसरे स्ट्रीट फूड के। तो बस ये फीडबैक बस वो है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मोमोज खिलाने। अब हम जा रहे हैं फूड ट्रक SG हाईवे पे जो है। One pair of pants later. ये SG हाईवे पे है, राइट? ये नई आइटम है, मैंने तो नहीं देखा कभी। कोकोनट क्रश। We are ending. शक्ल से देख रहा, आपको देख के लग रहा हूँ एकदम ऐसे हो गया कि बस हो गया। पहले मैं इसको सुबह में इसको बोल रहा था ये क्या चैलेंज है, लेकिन अब लग रहा है कि चैलेंज था थोड़ा सा। पर हाँ चैलेंज तो है, 24 आवर्स खाना बाहर का, इट्स अ चैलेंज। जो ट्रैवल में मैं खाते रहती हूँ, पर ऐसे एकदम टास्क चैलेंज लेके करना इट्स डिफिकल्ट। सो या वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर। लाइटिंग भी थोड़ी अच्छी आ रही है मेरे ख्याल से। एंड होप यू लाइक दिट। इफ़ यू डिड देन आपको पता है क्या करना है, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो अगर आपको चैलेंज ऐसे अच्छा लगा तो आप बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और किस तरीके के हम चैलेंज वीडियो करें तो हम करेंगे। बाकी सी यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।